हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखिए ये वाला डोर मैट डिजाइन ये मैं ऊन से बना रही हूँ और देखिए ऊन मेरी बारीक थी तो मैंने इस तरीके से डबल कर लिया है और यहाँ पे मैं देखिए एक दो तीन चार पाँच पांच कलर से बना रही हूँ आप चाह चाहो तो इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हो उस पर आप सिक्स नंबर की सिलाई लगाइए तो आपका डोर मैट परफेक्ट बन के आएगा देखिए मैं ऊन से बना रही हूँ ऊन डबल है तो मैंने यहाँ पर आठ नंबर की सिलाई का यूज किया है मैं आठ नंबर की सिलाई से बना रही हूँ अगर आपके पास आठ नंबर की सिलाई नहीं है तो आप इसको नौ नंबर की सिलाई से भी बना सकते हो और देखिए मैंने धागे सारे डबल किए हुए हैं क्योंकि मेरी धागा ना जो है बारीक है अगर आपके पास मोटी वुल है तो आपने क्या करना है सिंगल धागे से ही बना लेना है तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए ये सीखना है कि हमने फंदे कितने और कैसे डालने हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमने फंदे डालने हैं वो हमने यहाँ पे आठ के मल्टीपल के हिसाब से फंदे डालने हैं और दो फंदे हमने एक्स्ट्रा डालने हैं तो आप ना जैसे ये मैंने एक दो तीन ये तीन कलियाँ बनाई है ना आप चाहो तो इससे ज़्यादा कलियाँ भी बना सकते हो उस पर आपने क्या करना है आठ आठ फंदे ऐड कर लेना है और ये जो लास्ट के दो फंदे हैं वो हमेशा ही एक्स्ट्रा रहेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने आठिका माना आठ दो सोलह आड़तियाँ चौबीस पच्चीस छब्बीस छब्बीस फंदों में मैं बना रही हूँ आपको मैं स्टार्टिंग से ही दिखाऊंगी कि ये मैंने कैसे बनाया है और देखिए मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देती हूँ बैक साइड से भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन के आएगा देखिए डिजाइन हमारा तो देखिए इस पर हमने जो फंदे डाले हुए हैं ये मैंने 26 फंदों में बनाया है तो अगर आपने ऐसे ही बनाना है तो आप भी छब्बीस फंदे डाल लीजिए सबसे पहले मैं फंदे काउंट करके दिखा देती हूँ देखिए दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस तो आप लोगों ने भी देखिए जो ये हमने ये जो आउटलाइन यहाँ पर बनाई है ना तो इसी से ही फंदे डाले हैं देखिए यहाँ से मैंने बनाना स्टार्ट किया है एक ही कलर से हमने फंदे डालने हैं आप जैसे भी फंदे डालते हो ना उस हिसाब से फंदे डाल लीजिए और उसके बाद देखिए मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ तो आप लोगों ने देखिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा अगर आप लोगों ने देखिए ये कली बढ़ानी है तो आपने क्या करना है ये जो दो फंदे हैं वो तो ही रहेंगे हमेशा तो आपने क्या करना है आठ के मल्टीपल के हिसाब से फंदे बढ़ा लेने हैं और भी कलियाँ इस पर ऐड कर लेनी है अगर बड़ा बनाना है तो देखिए यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट रो आएगी वो फ्रंट साइड से आएगी तो देखिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए तो आप लोगों को बहुत ही इजी लगेगा तो देखिए पहला फंदा हम उतारेंगे उसके बाद हमने बाकी की रो फ्रंट साइड से एक रो हम उल्टा उल्टा बना के पूरा ही कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट का जो एक फंदा है ना उसको हमने सीधा बनाना है तो मैं बीच के सारे फंदे बना लेती हूँ तो देखिए फ्रंट साइड से पूरी रो बना ली है यहाँ पे हमने लास्ट का एक फंदा ये सीधा बनाया है बैक साइड पे अगेन हमने देखिए यहाँ पे पहला फंदा उतारना है उसके बाद देखिए हमने ये दो फंदे हमारे एक्स्ट्रा वाले हैं देखिए ये दो फंदे एक्स्ट्रा हैं उसके बाद देखिए ध्यान से देखना आप लोग एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और ये सोलह सोलह फंदे देखिए हमने एक ही कलर से बना लिए अब हमने क्या करना है आठ फंदे देखिए ये हमने ये वाले कलर से बना लेना है तो देखिए यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे धागे को एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ आ जाएंगे यहीं से फ्रंट साइड पे. फ्रंट साइड पे हमने क्या करना है देखिए पहला फंदा उतार लेना है उसके बाद हमने देखिए बाकी की रो फ्रंट साइड से जो फंदा जैसा है ना वैसे ही बना के हम कंप्लीट कर लेंगे तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखना फ्रंट साइड से मैं इसके बाद बना के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी देखिए ये कलर ये कलर से सारे फंदे बना लिए अब हमने धागा चेंज करना है देखिए बैक साइड पे क्रॉस पे रखते हुए धागे को आगे को लेके आएंगे और उसके बाद बाकी के ये जो सोलह फंदे हैं हमने इस कलर से बना लेने हैं और आपको पता ही है लास्ट का जो एक फंदा है वो सीधा बनाना है का देखिए ये वाला फंदा धागा पीछे करके इसको हमने सीधा बना लेना है इससे क्या होगा जो हमारी किनारी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन के आएगी तो आ जाएंगे हम बैक साइड पे और देखिए ये धागे में जो ये हैं इनको मैं एडजस्ट कर लूँगी आप लोगों ने अभी अटैच नहीं किया होगा तो आप लोगों ने ऐसे ही बना लेना है तो देखिए इसको हमने नीचे से डाल लेना है और ये वाले धागे ऊपर को ले आना है तो उसके बाद हमने यहाँ पर पहला फंदा उतार लेना है देखिए फ्रंट साइड से बनाया बैक साइड से हमने ये दो फंदे ये हमारे एक्स्ट्रा वाले हैं उसके बाद ये सोलह फंदे हमने अब क्या करना है इस कलर से बना लेने हैं देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और ये सोलह उसके बाद हमने क्या करना है फिर से देखिए धागा चेंज करना है क्रॉस पे रखते हुए देखिए ये कलर लगाए लेंगे और यहाँ पे अब हम छः फंदे बनाएंगे दो फंदे छोड़ देंगे एक दो तीन चार पाँच और ये छः लास्ट के दो फंदे हमने छोड़ देना है यहीं से आ जाएंगे फ्रंट साइड पे, फ्रंट साइड पे देखिए जो फंदा जैसा है बना के हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आ गए हम बैक साइड पे बैक साइड पे अगेन हमने देखिए पहला फंदा ये उतार लेना है ये हमारे एस्ट्रा वाले फंदे हैं दो फंदे उसके बाद फिर से देखिए हमने ये सोलह फंदे इसी कलर से बना लेने हैं फिर से देखिए फिर से हमने ये धागा चेंज करना है और उसके बाद ये कलर लगा लेंगे और यहाँ पे देखिए एक दो तीन और ये चार चार फंदे बनाएंगे दो फंदे फिर से छोड़ देंगे आ जाएंगे फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे जो फंदा जैसा है बना के कंप्लीट कर लेंगे देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे अगेन हमने एक्स्ट्रा वाले फंदे ये पहला फंदा उतारा दूसरा फंदा उल्टा बना लेंगे उसके बाद हमने देखिए सोलह फंदे फिर से बना लेने हैं ये जो हम बना रहे थे और देख और यहाँ पे अटैच कर लेना है साथ साथ में अटैच करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी तो देखिए उसके बाद हम बाकी की रो ये इसी कलर से बना लेंगे सोलो फंदों को यहाँ पे कलर चेंज करना है और यहाँ पे देखिए फिर से ये कलर लगाएंगे अब हम दो ही फंदे बनाएंगे एक और ये दो फिर से दो फंदे छोड़ देना है तो अब तक हमने देखिए छः फंदे छोड़ दिए हैं फ्रंट साइड पे जो फंदा जैसा है बना के कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे अगेन हमने पहला फंदा उतारा नेक्स्ट फंदा ये हमने उल्टा बनाना है साथ साथ में ही ये वाला धागा जो है हमारा इसको हमने अटैच कर लेना है यहाँ पे और उसके बाद फिर से हमने देखे यहाँ पे अब हमारे देखे यहाँ पे दो ही फंदे बचे हैं जो हमने छोड़ने हैं बाकी के जो यहाँ पे छः फंदे हैं हमने छोड़ दिए हैं देखिए दो चार छः अब हमारे दो फंदे बचे हैं देखिए अब ध्यान से देखना अब हमने क्या करना है देखिए ये हमारे एक्स्ट्रा वाले दो फंदे और दो फंदे ये डिजाइन के हैं तो यहाँ पर हमने दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ आठ ही फंदे बनाएंगे, उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे से फिर ये ग्रीन कलर लगा लेना है आठ फंदों में देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ ये दो फंदे फिर से छोड़ देना है यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पे तो अब हम क्या करेंगे ये धागा देखिए इस तरीके से फंसा लेंगे इस पर क्रॉस पर रखते हुए ये वाला धागा आगे को लेके आएंगे उसके बाद देखिए जो फंदा जैसा है बना के कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए फिर से आ गए हैं हम बैक साइड पे अगेन हमने पहला फंदा उतारा नेक्स्ट फंदा एक्स्ट्रा वाला ये हमने उल्टा बनाना है उसके बाद आठ फंदे हमने फिर से इसी कलर से बना लेने हैं एक्स्ट्रा वाले फंदे मिला के दस फंदे हैं हमारे फिर से हमने कलर चेंज करना है ग्रीन कलर से अब हम यहाँ पे छः फंदे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच और ये दो फंदे फिर से छोड़ देना है आ जाएंगे फ्रंट साइड पे पूरी रो हम बना के कंप्लीट कर लेंगे देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे अगेन हमने पहला फंदा उतारा ये एक्स्ट्रा वाले फंदा भी देखिए उल्टा बना लेंगे उसके बाद देखिए आठ फंदे फिर से बनाएंगे टोटल एक्स्ट्रा वाले फंदे मिला के दस फंदे हम इसी कलर से बना लेंगे और उसके बाद देखिए फिर से धागा चेंज करना है और यहाँ पे अब की बार हम चार फंदे बनाएंगे दो फंदे फिर से छोड़ देंगे तो देखिए एक दो तीन और ये चार दो फंदे फिर से छोड़ देना है आ जाएंगे फ्रंट साइड पे पूरी रो हम बना के कंप्लीट कर लेंगे देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे अब हमारे यहाँ पे देखिए हमने चार फंदे ग्रीन के भी छोड़ दिए हैं दो दो करके और यहाँ पे दो फंदे और छोड़ने हैं तो देखिए उसके बाद हमारे देखिए चार फंदे बचे हैं ना दो फंदे छोड़ेंगे तो सबसे पहले ये स्टार्टिंग के दस फंदे बनाएंगे दो एक्स्ट्रा वाले फंदे और चार डिजा आठ डिजाइन के फंदे तो देखिए सारे ही फंदे हमने बना लेने हैं इस कलर से पहले उसके बाद देखिए धागा चेंज करना है ग्रीन कलर से हमने ये दो फंदे बना लेने हैं देखिए एक और ये दो अब हमारे यहाँ पे देखिए दो ही फंदे बचे हैं ग्रीन वाले फ्रंट साइड पे हमने जो फंदा जैसा है बना के कंप्लीट कर लेना है तो देखिए आ गए बैक साइड पे फिर से हमने देखिए यहाँ पे ये वाले धागे को भी हमने एडजस्ट कर लेना है सबसे पहले हम दो फंदे बनाएंगे एक और ये दो अब हमने क्या करना है देखिए यहाँ से अब हम ये वाला कलर लगा लेंगे जो मैंने लगाया है ना मैं वही लगाऊंगी आप अपने को, अकॉर्डिंग कोई भी कलर लगा लेना तो आठ फंदे हमने देखिए इस कलर से बना लेने हैं देखिए दो फंदे इस कलर से बना लिए उसके बाद तीन चार सॉरी इनको मिला के एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ फिर से हमने दो फंदे ये ग्रीन वाले छोड़ देने हैं यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पे देखिए धागे को क्रॉस पे रखेंगे उसके बाद फ्रंट साइड पे जो फंदा जैसा है बना के हम कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे अगेन हमने बैक साइड पे देखिए ये दो फंदे इसी कलर से बना लेने हैं पहला फंदा उतारा नेक्स्ट फंदा देखिए इस कलर से बना लिया उसके बाद देखिए कलर चेंज करना है हमने यहाँ पे से फिर से हमने ये कलर लगाना है और यहाँ पे अब हम छः फंदे बनाएंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये दो फंदे फिर से छोड़ देने हैं तो आ जाएंगे फ्रंट साइड पे पूरी रोहम बना के कंप्लीट कर लेंगे देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे। अगेन हमने बैक साइड पे पहला फंदा उतारा नेक्स्ट फंदा हमने देखिए उल्टा बनाना है उसके बाद हमने इस वाले कलर से देखे जो कलर हम लगा रहे हैं इस कलर से हमने चार फंदे बना लेने हैं देखिए एक दो तीन और ये चार फिर से दो फंदे छोड़ देने हैं यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पे पूरी रो हम बना के कंप्लीट कर लेंगे फिर से आ गए बैक साइड पे अगेन हमने पहला फंदा उतारा एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे उससे पहले ये धागा एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पे फिर से हमने धागा चेंज करना है अब हमारे चार ही फंदे देखिए इस कलर से उसमें से हमने दो फंदे बनाने हैं दो फंदे और छोड़ देने हैं आ जाएंगे फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे पूरी रो बना के कंप्लीट कर लेंगे देख साइड पर अगेन हमने यहाँ पर अब हमारे देखिए चार फंदे बचे हैं दो इस कलर से और दो इस कलर से उसमें से हमने देखिए पहला फंदा उतारा एक फंदा उल्टा बना लेंगे यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पे ये दो फंदे हमने फिर से छोड़ देने हैं तो यहाँ पे देखिए फिर से धागे को हमने एडजस्ट कर लेना है क्रॉस पे रखते हुए और यहाँ पे एक फंदा उल्टा एक फंदा हमने सीधा बना लेना है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने दो दो करके सारे ही फंदे यहाँ तक छोड़ दिए हैं देखिए तो हमने देखे दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस और ये लास्ट के दो छब्बीस फंदे ये हमने सारे ही दो दो करके छोड़ लिए हैं यहाँ तक अब आ जाएंगे हम बैक साइड पे बैक साइड पे अब हमने क्या करना है एक रो हम इसी कलर से सारे ही फंदे बना लेंगे देखिए पहला फंदा उतारा उसके बाद दो तीन चार पाँच ये दो दो करके जो फंदे छोड़ रहे थे ना उनको भी बना लेंगे छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस और ये छब्बीस आ जाएंगे हम फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे अब हमने क्या करना है पहला फंदा हमने उतार लेना है नेक्स्ट फंदा उल्टा बना लेंगे तो फिर से हमने फ्रंट साइड से पूरी रो बना लेनी है लास्ट का जो एक फंदा है ये सीधा बना लेंगे तो मैं इतना कंप्लीट कर लूँगी तो देखिए फ्रंट साइड से हमने पूरी रो बना ली है अब हमने क्या करना है देखिए अब हमने यहाँ से ये वाली कली हमने बना ली है यहाँ पे अब हमने ये सेंटर वाली कली बनानी है तो उसके लिए हमने देखिए ये पिंक कलर लाइट पिंक कलर को लगा लेना है यहाँ पे देखिए ये जो छब्बीस फंदे हैं हमने यहाँ पे सारे ही बैक साइड से बना के कंप्लीट कर लेने हैं तो मैं इस वाली रो को कंप्लीट कर लूँगी तो देखिए बैक साइड से पूरी रो बना ली है आ गए हैं फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे भी देखिए पहला फंदा उतारा उसके बाद फ्रंट साइड से भी पूरी रो हम इसी धागे से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे लास्ट का एक फंदा सीधा बनाएंगे तो मैं इसको भी कंप्लीट कर लूँगी तो देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे अब हमने क्या करना है देखिए यहाँ पे से आप लोग ध्यान से देखना तो, तो यहाँ पे देखिए पहला फंदा हमने उतारना है नेक्स्ट फंदा हमने उल्टा बना लेना है अब इसी में से हमने एक फंदा और बढ़ाना है धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए अब हमारे तीन फंदे हो गए और यहीं से ही आ जाएंगे हम फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे देखिए पहला फंदा उतारेंगे नेक्स्ट फंदा हम उल्टा बनाएंगे एक फंदा हमने सीधा बना लेना है लास्ट वाला और यहीं से ही आ जाएंगे हम बैक साइड पे बैक साइड पे अगेन हमने देखिए पहला फंदा उतारा और यहाँ पे देखिए एक फंदा उल्टा बनाएंगे अभी देखिए फंदा हमने छोड़ा नहीं है इसी में से एक फंदा और बनाएंगे तो हमने एक फंदा और बढ़ा लिया तो यहाँ पे हमारे फिर से तीन फंदे हो गए तो नेक्स्ट फंदा हम उल्टा बनाएंगे एक फंदा हमने इस साइड से भी बनाना है देखिए ये चार फंदे हो गए हमारे एक फंदा यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पांच फंदे हो गए यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पर फ्रंट साइड पर देखिए पहला फंदा हमने उतार लेना है और ये फ्रंट साइड पे सारे ही फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं लास्ट का हमने एक फंदा सीधा बना लेना है और यहीं से ही आ जाएंगे बैक साइड पे। बैक साइड पे अगेन हमने पहला फंदा उतारा और यहाँ पे देखिए फिर से हमने एक फंदा उल्टा बनाया धागा पीछे एक फंदा हमने सीधा बना लिया तो यहाँ पे अब तक हमने तीन फंदे बढ़ा लिए हैं देखिए फिर से हमारे तीन फंदे हो गए यहाँ पे। धागा अपनी तरफ उसके बाद देखिए यहाँ पे तीन चार पाँच साथ में ये वाला धागा है इसको भी हमने साथ में ही एडजस्ट करना होगा तो यहाँ पे देखिए दो चार पाँच छः एक फंदा हम यहाँ से बना लेंगे सात और यहीं से ही आ जाएंगे हम फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे जो फंदा जैसा है बना लेंगे देखिए पैसे ही आ जाएंगे हम बैक साइड पे बैक साइड पे अगेन हमने देखिए एक फंदा हमने उल्टा उतार लेना है नेक्स्ट फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पीछे एक फंदा इसी में से फिर से बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे हमने चार फंदे बढ़ा लिए अब तक तो उसके बाद देखिए धागे को हम पीछे को कर लेंगे अपनी तरफ को यहाँ पे देखिए एक दो तीन फंदे हैं ना ये उसके बाद चार पाँच छ सात और ये आठ एक फंदा हम यहाँ से बना लेंगे ये नौ फंदे हो गए हमारे फ्रंट साइड पे देखिए जैसे हम बना रहे थे वैसे ही बना के कंप्लीट कर लेंगे फिर से आ गए बैक साइड पे अगेन हमने बैक साइड पे देखिए एक फंदा और बढ़ाना है तो पहला फंदा उतारेंगे एक फंदा ये उल्टा बनाया इसी में से एक फंदा और बनाएंगे तो उसके लिए देखिए धागा पीछे एक फंदा हम सीधा बना लेंगे इसी में से फिर से हमने धागे को अपनी तरफ कर लेना है देखिए एक दो तीन फंदे हो गए हमारे ये चार पाँच साथ में ये धागे को भी हमने एडजस्ट कर लेना है तो देखिए इसको इस तरीके से कर लेंगे इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह एक फंदा हम देखिए यहाँ से बना ले रहे हैं तो हम यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पे पूरी रो बना के कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए फिर से आ गए हम बैक साइड पे अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे पांच फंदे बढ़ा लिए हैं तो ये देखिए सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं यहाँ पे हमारे छब्बीस फंदे थे डिजाइन के तो देखिए दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस और ये पांच फंदे हमने बढ़ाए हैं पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस और ये तीस अब हमने क्या करना है जैसे हमने पांच फंदे बढ़ाए ना वैसे ही हम पांच फंदों को कम करेंगे और यहाँ से देखें हम एक एक फंदा इस साइड से बनाते हुए जा रहे थे ना जो हमारे ये डिज़ाइन के फंदे थे उसमें से बना रहे थे तो हम एक एक फंदा अब छोड़ देंगे तो देखिए किस तरीके से करेंगे पहला फंदा उतारा ये फंदा और ये फंदा दो का हम पहले एक कर लेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ एक फंदा हमने छोड़ देना है तो यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे पता ही है आपको पहला फंदा उतारेंगे बाकी रो हम जो फंदा जैसा है बना के कंप्लीट कर लेंगे देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे अगेन हमने पहला फंदा उतारा ये वाला फंदा और ये वाला दो का हमने एक कर लेना है एक फंदा फिर से कम कर लिया देखिए दो तीन चार पाँच छ और ये सात फिर से हमने एक फंदा छोड़ देना है यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पे पूरी रो हम बना के कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे अगेन हमने एक फंदा और कम करना है पहला फंदा उतारा यहाँ पे ये वाला फंदा और ये दो का एक कर लेंगे तो देखिए दो तीन साथ में ये धागा भी एडजस्ट कर लेंगे चार और ये पाँच एक फंदा फिर से छोड़ देंगे यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे पूरी रो बना के कंप्लीट कर लेंगे देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे बैक साइड पे देखिए पहला फंदा उतारेंगे ये वाला फंदा और ये वाला दो का एक कर लेना है तो ये हमने चौथा फंदा भी कम कर लिया नेक्स्ट फंदा उल्टा बनाएंगे तो अब हमारे यहाँ पे तीन ही फंदे बचे हैं एक फंदा हम छोड़ देंगे यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पे पहला फंदा उतारेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा आ जाएंगे बैक साइड पे बैक साइड पे अगेन हमने अब ये पांचवा फंदा हमने कम करना है तो देखिए पहला फंदा उतारेंगे हमारे ये तीन ही फंदे थे ना पहला फंदा उतारा ये वाला फंदा और ये वाला दो का हमने एक कर लेना है तो अब हमारे दो ही फंदे बचे हैं यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे एक फंदा हम सीधा बना लेंगे तो यहाँ पे हमारी ये वाली कली भी बनके कंप्लीट हो गई है और हमने पांच फंदे भी कम कर लिए हैं अब हमने क्या करना है देखिए यहाँ पे से देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है ये जो कली थी ना यहाँ तक बना लिया है अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है तो उसको हमने कैसे बनाना होगा सबसे पहले हमने एक रो फ्रंट साइड से और बैक साइड से देखिए इस कलर से बना लेनी है देखिए धागा हमने अटैच करना है और डिजाइन के अब हमारे यहाँ पे छब्बीस फंदे हैं पांच फंदे जो हमने बढ़ाए थे वो कम कर लिए तो देखिए साथ में काउंट कर लेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस और ये छब्बीस और यहीं से ही आ जाएंगे हम फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे देखिए पूरी रो हमने इसी कलर से बना के कंप्लीट कर लेनी है तो मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी फ्रंट साइड से भी तो देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे पूरी रो हमने फ्रंट साइड से बना ली है तो अब ध्यान से देखना दोस्तों अब हमने क्या करना है जो एक्स्ट्रा वाले फंदे थे देखिए दो फंदे बनाने हैं पहला फंदा उतारा एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे तो हमारे दो फंदे हो गए अब हम धागा चेंज करेंगे और यहाँ पे से अब हमने क्या करना है यहाँ पे अब हम ये वाला कलर लगा लेंगे देखिए दो फंदों में एक और ये दो और यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे हमने फिर से ये दो फंदे इसी कलर से बना लेने हैं धागा पीछे करेंगे क्रॉस पे रख लेंगे देखिए और यहाँ पे दो फंदे इस कलर से बना लेंगे एक उल्टा और एक सीधा फंदा आ जाएंगे बैक साइड पे बैक साइड पे अगेन हमने देखे पहला फंदा उतारा ये नेक्स्ट फंदा इसी कलर से बना लेंगे फिर से देखिए धागा चेंज किया हमने और यहाँ पे अब हमने फिर से पहले दो फंदे बनाए अब हम चार फंदे बनाएंगे तो देखिए एक दो तीन और ये चार देखिए जो कलर से हमने यहाँ पे बनाया है ना उसी कलर से हम यहाँ पे बना रहे हैं और यहीं से ही आ जाएंगे हम फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे जो फंदा जैसा है बना के हम कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे अगेन हमने ये दो फंदे इसी कलर से बना लेने हैं और अब हम यहाँ पे छः फंदे बनाएंगे इस कलर से तो देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये छः अब यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पे। फ्रंट साइड पे जो फंदा जैसा है बना के कंप्लीट कर लेंगे देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे। अगेन स्टार्टिंग के ये दो फंदे ऐसे ही बना लेंगे अब हम क्या करेंगे इस कलर से आठ फंदे बनाएंगे तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ देखिए पहले हम क्या कर रहे थे यहाँ से दो दो फंदे पहले आठ फंदे बनाए फिर दो दो करके फंदे छोड़ते हुए गए थे ना अब हम देखें दो फंदे से बना रहे हैं और उसके बाद हमने आठ फंदे इसी कलर से बनाने हैं फिर आठ फंदे हम ग्रीन कलर से बनाएंगे तो देखिए फ्रंट साइड से सबसे पहले हम ये वाली रो बना के कम्प्लीट कर लेंगे तो देखिए दोस्तों फिर से आ गए बैक साइड पे तो यहाँ पे हमने देखिए आठ फंदे ये यहाँ पे गाजरी कलर से हमने बना लिए हैं और अब हमने क्या करना है देखिए अब इन आठ फंदों को भी हम इसी कलर से बना लेंगे देखिए पहला फंदा उतारा उसके बाद देखिए एक दो ये एक्स्ट्रा वाले फंदे थे उसके बाद देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ टोटल तो हमारे ये नौ दस तो हमने अब ये दस फंदे इस कलर से बना लिए अब हमने क्या करना है देखिए धागा चेंज कर लेना है और दो फंदे हमने अब ग्रीन कलर से बना लेने हैं देखिए दो फंदे हम ये ग्रीन कलर को लेके आएंगे एक और ये दो यहीं से ही हम फ्रंट साइड पे आएंगे फ्रंट साइड पे देखिए सबसे पहले ये दो फंदे ग्रीन के बना लेंगे फिर से हमने धागा देखिए चेंज कर लेना है और यहाँ पे हमने अब ये ये वाला कलर लगा लेना है और अब हम दस फंदे इस कलर से बना लेंगे फ्रंट साइड पे मतलब कि जो फंदा जैसा है वैसे ही हमने बना लेना है और लास्ट का जो एक फंदा है इतना ध्यान रखना हर बारी हमने सीधा बना लेना है आ जाएंगे बैक साइड पे बैक साइड पे हमने फिर से देखिए पहला फंदा उतारा दस फंदे हमने इसी कलर से बना लेने हैं देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस फिर से हमने कलर चेंज करना है ग्रीन कलर से देखे हमने पहले तो ये दो फंदे बना लेने हैं ये जो हमने पहले बनाए थे एक और ये दो दो फंदे फिर से बनाएंगे तो हमारे टोटल यहाँ पे चार फंदे हो गए और यहीं से ही हम फ्रंट साइड पे आएंगे जो फंदा जैसा है बना के कंप्लीट कर लेंगे देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे दस फंदे देखिए हमने फिर से इस कलर से बनाने हैं पहला फंदा उतारा देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस फिर से कलर चेंज करेंगे यहाँ पे देखिए फिर से हमने छः फंदे बनाने हैं ग्रीन से तो देखिए एक दो तीन और ये चार दो फंदे ये वाले कलर से बनाए हुए ग्रीन कलर से बना लेंगे तो हमारे छः फंदे हो गए फ्रंट साइड पे जो फंदा जैसा है बना के कंप्लीट कर लेंगे देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे अगेन हमने पहला फंदा उतारा उसके बाद देखिए दस फंदे फिर से हमने इस कलर से बना लेने हैं देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस अब हमने क्या करना है फिर से देखिए यहाँ पे हमने कलर चेंज करना है और ग्रीन कलर से हमने आठ फंदे बना लेने हैं देखिए दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ अब हमारे देखिए डिजाइन के ये आठ फंदे हैं जो हमने पहले बनाए थे फ्रंट साइड पर जो फंदा जैसा है बना के हम कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए दोस्तों अब आ गए बैक साइड पे बैक साइड पे अब हमने क्या करना है देखिए ये जो हमने ग्रीन कलर से आठ फंदे बनाए हैं ना अब हमने इसी कलर से बना लेने हैं तो दस फंदे ये और ये आठ फंदे तो ये हमने सारे ही इसी कलर से बना लेने हैं तो देखिए पहला फंदा उतारा उसके बाद देखे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस अब हमने क्या करना है देखिए ये जो इस कलर से फंदे हैं ना ये ग्रीन वाले इनको भी हमने बना लेना है देखिए दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये अठारह अब हमने क्या करना है देखिए हमारा ये कलर है ना यहाँ पे अब हमने दो फंदे इस कलर से बना लेने हैं तो देखे एक और ये दो और यहीं से ही आ जाएंगे हम फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे जो फंदा जैसा है बना के कंप्लीट कर लेंगे देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे बैक साइड पे अब हमने ये अठारह फंदे देखे सबसे पहले इस कलर से बना लेने हैं पहला फंदा उतारा और उसके बाद देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये अठारह अब हमने फिर से देखिए कलर चेंज करना है सबसे पहले तो ये दो फंदे इस कलर से बना लेंगे एक और ये दो दो फंदे और बनाएंगे तो देखिए तीन और ये चार फिर से फ्रंट साइड पे आ जाएंगे यहीं से ही फ्रंट साइड पे जो फंदा जैसा है बना के हमने कंप्लीट कर लेना है तो मैं फिर से कंप्लीट कर लूँगी इसको तो देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे बैक साइड पे फिर से ये अठारह फंदे इसी कलर से बना लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये अठारह फिर से हमने कलर चेंज करना है देखिए ब्लू कलर से हमने यहाँ पे अब छः फंदे बनाने हैं चार फंदे ये वाले बनाएंगे देखिए एक दो तीन और ये चार दो फंदे फिर से बनाएंगे तो देखिए पाँच छः यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे जो फंदा जैसा है बना के कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे अगेन हमने ये अठारह फंदे देखिए इसी कलर से बनाने हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये अठारह फिर से हमने कलर चेंज करना है इस कलर से अब हमने सारे ही फंदे बना लेने हैं मतलब कि टोटल हम आठ फंदे बनाएंगे। छः फंदे ये वाले देखे एक दो तीन चार पाँच छ दो फंदे ये हमारे जो बचे हुए इनको भी बना लेंगे सात और ये आठ अब फ्रंट साइड से हमने देखिए आठ फंदे ये वाले और ये अठारह फंदे इनको हमें मैं बना के कंप्लीट कर लूँगी तो देखिए दोस्तों फिर से आ गए हम बैक साइड पे अब हमारे देखिए ये आठ फंदे हमने ये वाले भी बना लिए तो यहाँ से देखिए हमने बनाते हुए सारी ही कलियाँ ये बना ली हैं अब हमने क्या करना है बैक साइड है और बैक साइड से अब हमने ये जो डिजाइन के छब्बीस फंदे हैं सारे ही हमने बना लेने हैं जो इस कलर से हैं ना इनको भी हम बना के कम्प्लीट कर लेंगे तो देखिए फिर से आ गए हैं हम फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे अब हमने क्या करना है पहला फंदा उतारना है और उसके बाद फ्रंट साइड से भी पूरी रो हमने उल्टा उल्टा बना लेना है लास्ट का फंदा हम सीधा बनाएंगे तो मैं इसको भी कंप्लीट कर लूँगी तो देखिए फ्रंट साइड से पूरी रो बना ली है और आ जाएंगे बैक साइड पे ये हमारी अब डिज़ाइन की आखिरी रो है तो देखिए इसको भी हम बना के कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पे हमारा जो डोरमेट का एक कली है वो बनके कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोगों ने क्या करना है फिर से देखिए सबसे पहले तो मैं ये रो बना के कम्प्लीट कर लेती हूँ बैक साइड से तो देखिए दोस्तों बैक साइड से हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे हमारी एक कली ये बनके कंप्लीट हो गई है यहाँ पे तो देखिए आपकी अब जो फर्स्ट रो आएगी वो आएगी फ्रंट साइड से जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट रो बताई थी ना यहाँ से देखिए यहाँ से बताया था ना आप लोगों ने फिर से यहीं से ही रिपीट कर लेना है फिर से देखिए ये वाली कली और रिपीट कर लेनी है तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्या कीजिए वीडियो को स्टार्टिंग से देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर करूँगी तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो कमेंट करके जरूर बताना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वेल आइकन दबाना मत भूलना तो मिलते हैं इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय